रूप में कल अवतार के रूप में संसार में जाना जाता है। भगवान के पांच प्रकार के अवतार होते हैं, एक होता है पूर्ण अवतार, एक होता है परिपूर्ण अवतार, एक होता है कला अवतार, एक होता है अंश अवतार और एक होता है आवेश अवतार। पूर्ण, परिपूर्ण, कला, अंश, आवेश। भगवान का नरसिंह अवतार आवेश अवतार है। अचानक खंभे के अंदर से मेरे भगवान प्रकट हो गए, ये आवेश है। व्यास महाराज जिन अवतारों में भगवान ने आकर के अवतार लेकर के नाना भांति के ग्रंथों की रचना करके धर्म का उपदेश दिया, उन अवतारों का नाम है अंश कला अवतार। कपिल भगवान मेरे भगवान के अंश कला अवतार, वेद व्यास भगवान के अंश कला अवतार है, भगवान के चौबीस अवतार है। प्रथम अवतार है मेरे भगवान का सनत कुमार आदि ऋषि, प्रथमं तो कौमारम कुमार अवतार, द्वितीय दूसरा अवतार मेरे भगवान का बराह अवतार, मेरे भगवान ने बराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का नाश किया। भगवान का तीसरा अवतार है तृतीय ऋषिसर्गम, तो ऋषिसर्ग माने नारद जी। भगवान का चौथा अवतार है नर और नारायण। पंचमो कपिलो नाम भगवान का पांचवा अवतार है कपिल अवतार। भगवान का छठा अवतार है अत्रि अनुसुईया के है, यहाँ मेरे भगवान ने तृतीय अवतार लिया था दुर्वासा चंद्रमा और दत्तात्रेय। भगवान का जो सातवां अवतार है उसका नाम है यज्ञेश्वर भगवान। भगवान का जो आठवां अवतार है मेरु देवी के है, मेरे भगवान ने ऋषभ अवतार लिया, ऋषभ भगवान। भगवान का जो नवा अवतार उसका नाम है पृथु महाराज, पार्थिव अवतार पृथु। भगवान का दसवां अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान का ग्यारहवां अवतार है मोहिनी अवतार। भगवान का बारहवां अवतार है कच्छप अवतार। भगवान का तेरहवां अवतार है धन्वंतरी वैद्य। भगवान का चौदहवां अवतार है नरसिंह अवतार। भगवान का पंद्रहवां अवतार है बामन अवतार। भगवान का सोलहवां अवतार है परशुराम अवतार। भगवान का सत्रहवां अवतार है व्यास महाराज वेद व्यास। भगवान का अठारहवां अवतार है राम। भगवान का उन्नीसवां अवतार है बलराम। भगवान का बीसवां अवतार है श्री कृष्ण। भगवान का 21वां अवतार है गौतम बुद्ध। भगवान का 22वां अवतार है हंस। भगवान का 23वां अवतार हुआ नहीं अभी होगा कल की। और भगवान का 24वां अवतार है जिसका नाम है कोई हयग्रीव भी मानते हैं भगवान का और कोई भगवान का अवतार मानते हरि अवतार। तो भगवान के 24 अवतार है। इन 24 अवतारों में मेरे भगवान के जितने भी अंश अवतार कल अवतार हुए हैं इन अवतारों का परिपूर्ण अवतार साक्षात मेरे भगवान श्री कृष्ण का हुआ। और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी अर्धांगिनी शक्ति स्वरूपिणी भगवान की पराशक्ति जिसका नाम है राधा। एते चांस कला पुंस कृष्ण तु भगवान। संपूर्ण जगत के स्वामी बनकर के मेरे भगवान संसार में कृष्ण बनकर के आए। श्री राधे कृष्ण माधव जय 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 बंसी बजैया माधव जय बंसी बजैया माधव जय बंसी बजैया माधव जय बंसी बजैया राधे कृष्ण माधव जय राधे कृष्ण माधव जय राधे।
वेद विस्तार कारणत्वा व्यास नामा भवन मुनि। तुम्हारा जो पुत्र होगा ना, पुराणों का वेता, वेद का विस्तार करने के कारण इसका नाम पड़ेगा वेद व्यास। व्यास माने वेदों का, ग्रंथों का विस्तार करने वाला, उसका नाम है वेदाः शास्त्राणि विस्तार करता है अनन्यास व्यास। जिन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रों का विस्तार किया, व्यस्ता करता, विस्तृता करता ग्रंथा, उसका नाम पड़ेगा व्यास। और इतना आशीर्वाद देकर के पारस ऋषि चल पड़े थे। सत्यवती वहां से वापस आ गई, पुत्र मां को छोड़कर के चला गया। व्यास महाराज जब जा रहे थे तो मां ने रोका, कहा जा रहे हो? तो व्यास जी ने वचन दिया कि जब भी तुम मुझे याद करोगी मां, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी अवश्य आऊंगा। आज व्यास महाराज पुत्र के वियोग में रोते हुए खड़े होकर के चल पड़े, अपनी मैया संपूर्ति का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेरी माँ मेरे वियोग में रो रही होगी, इधर क्या हुआ? ब्रह्मलोक में एक दिन ब्रह्मा जी की सभा बैठी हुई थी। ये कथा मैंने आपको परसों भी थोड़ी समझाई थी। ब्रह्मा जी की सभा में महावीर नामक राजा ब्रह्मा जी के दाहिनी तरफ बैठा हुआ था ब्रह्मलोक में, और बाईं तरफ बैठी हुई थी गंगा। कहते हैं महाविष्णु नामक राजा जिस व्यक्ति के शरीर को अगर हाथ रखता था उसके शरीर के रोग दूर हो जाते थे, इसलिए उसका नाम था महाविष्णु। ब्रह्मा जी की सभा में नाना प्रकार के गंधर्व संत महात्मा ज्ञानी सब आकर के बैठे। उन्हीं के बीच में एक गंधर्व था जिसका नाम था उपवरहन। उपवर्णन नामक गंधर्व आकर के ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्व विद्या के द्वारा गान करने लगा। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, मेरी ब्रह्म समागम तुमने अपमान कर दिया, इसलिए हम व्यास लोग कहते हैं कि कथा के बीच में ना तो नहीं, क्योंकि व्यास का बहुत बड़ा अपमान होता है। व्यास के सामने यदि किसी ने कथा के बीच में अभद्र नाच करना शुरू कर दिया, सबसे बड़ा अपमान व्यास का वहां पर होता। आजकल तो लोग चाहते हैं व्यास सबको खूब न जाए, हमारे पास भी चिट्ठी आदि पड़ी थी, आपने ऐसे बदल लेगा जिस बात है। अच्छा देखो, व्रत नहीं मानोगे, कथाएं मनोरंजन का विषय नहीं है, कथाएं आत्मरंजन का विषय है। कथाओं के द्वारा तुम्हें आत्मरंजन करना है। देखो संसार में दो प्रकार का भोजन है, एक भोजन से तुम्हारा शरीर बलवान होगा और एक भोजन से तुम्हारी आत्मा बलवती होगी। संसार के भोजन से तुम्हारा शरीर बलवान होगा, तुम्हारा शरीर ठीक होगा, ताकत मिलेगी आंखों को शरीर को, लेकिन जो शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई, आत्मा का भोजन क्या है बोलो? आत्मा का भोजन है भगवान की भक्ति। परमात्मा की भक्ति से आत्मा सुदृढ़ होती है। व्याधस्य शरणं ध्रुवस्य च भयः विद्या गजेन्द्रस्य का कहा जातिर विदुरस्य यदुपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुमुदाया किं रूपमधिकं किं तत्सुदानो धनम् भगत्या तुष्यति न जुगुणे भगति प्रिय माधव। माधव हमारे हृदय में प्राण बन के बैठे, उसको संसार में कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास हजारों धन करोड़ों धन तुम्हारे पास निवेश होगा, डिपॉजिट होगा, करोड़ों रुपए तुम्हारे पास होंगे, मोटर गाड़ियां होंगी, लेकिन उससे भगवान खुश नहीं होंगे। यदि ऐसे होते तो सुदामा तो बिल्कुल गरीब था, फिर भी भगवान मिल गए। यदि कोई बोले मेरा सुंदर रूप है, मेरे सामने भगवान आएंगे मुझे देख करके मोहित हो जाएंगे, भगवान किसी के रूप पर मोहित नहीं होते हैं। यदि रूप से मोहित होते तो कुबजा तो बिल्कुल कुबड़ी थी, फिर भी भगवान ने गले लगाए। यदि कोई बोले बड़े बड़े डिग्रीधारी को भगवान मिलते हैं, तो ध्रुव प्रहलाद तो छोटे बच्चे थे जिन्होंने स्कूल तक नहीं देखा था, विद्यालय का मोहतक नहीं देखा था, उनको भी भगवान मिल गया। यदि कोई बोले ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते हैं, तो विदुर तो बिल्कुल निम्न जाति में थे, फिर भी भगवान मिल गए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए न तो धन, न तो जाति, न तो ज्ञान, न तो रूप, न तो अवस्था। परमात्मा